वहीं ललितपुर में गर्मियों की अभी सही से शुरुआत नहीं हो पाई है कि पीने के पानी की समस्या आम जनमानस पर अपना प्रभाव छोड़ रही है। आम जनमानस पानी पीने के लिए तरस रहे। काशीराम कॉलोनी निवासी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे। पार्षद द्वारा बताया गया कि यहां पर 352 मकान बने हैं जिनमें करीब 2000 की आबादी रहती है जो पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। आसपास पानी का कोई साधन नहीं है। हैंडपंप ऐसी स्थिति में है, कई बार संबंधित कर्मचारियों को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक पानी की समस्या की ओर किसी भी अधिकारी और ललितपुर प्रशासन का ध्यान नहीं गया। करीब 4 मंजिला कॉलोनी में रहने वाले पानी की जटिल समस्या से जूझ रहे हैं। क्या काशीराम कॉलोनी में निवास करने वालों को पीने के पानी की समस्या से कभी निजात मिल पाएगी या फिर ये लोग ऐसे ही तरसते रहेंगे? पीने के पानी के लिए नल खोलने वाले से कुछ कहते हैं तो वो भी सीधे मुंह बात नहीं करते। मोहल्ले वाले पानी की सप्लाई खोलने वालों पर आरोप लगाते हैं कि मोटर टाइम से नहीं खोली जाती जिससे पानी पीने की समस्या बनी रहती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुस्तफ़ा है, वार्ड नंबर पार्षद है, 11 वार्ड नंबर 11 सिविल लाइन 3। क्या समस्या है? समस्या ये है कि काशीराम आवास कॉलोनी है उसमें पानी की जटिल समस्या है, क्योंकि 4 मंजिल की कॉलोनी है, नीचे से पानी छोड़ नहीं रहे, ऊपर से पानी लेने आ रहा है, हैंडपम्प ख़राब है, बहुत समस्या है उधर, पानी खुल नहीं रहा है, ऑपरेटर आता नहीं है, और एक वहाँ प्राइवेट लगाए हुए हैं वो विकलांग है, वो छोटे छोटे बच्चों को भेजती है और वहाँ से आते हैं तो मोटर ख़राब हो जाती है। अभी और एक महीने से ख़राब थी, अभी सुधरी है मोटर। आप कहाँ पे आए हैं? हम DM साहब कार्यालय आए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि भाई इन लोगों को पानी मिल जाए, हमारी जनता को पानी मिल जाए और मोटर सही समय से खुले और पानी की समस्या, वो पाइप लाइन वहाँ जुड़वा दी जाए, थोड़ी सी जुड़ना है पाइप लाइन, जो नल की पाइप लाइन जुड़ना है वो थोड़ी दूर जुड़ना है।